अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज फिर मैं हाज़िर हूँ आपके साथ एक नई वीडियो लेकर। आज हम बनाएंगे बथुए के पराठे। देखिए, ये हम बथुआ साफ़ कर रहे हैं, इसकी बस पत्ते ही लेंगे हम। और देखिए, ये मैंने इसको साफ़ कर लिया है और इसको अब हम अच्छे से धो लेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा रेता होता है तो इस वजह से इसको हम अच्छे से साफ़ करेंगे, जिससे ये रेता इसमें नहीं आए। खूब अच्छे से साफ़ करना है और इसको हम एक बर्तन में रख लेंगे साफ़ करके। ये देखिए, मैंने इसको साफ़ कर लिया है और अब मैं इसको बॉईल करने के लिए रखूंगी। इसको बस हमें 10 मिनट ही बॉईल करना है, ये 10 मिनट में हमारे बॉईल हो जाएगा। देखिए, हमारा बथुआ भी ये बॉईल हो गया है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे और ये मैंने आटा छान कर रखा हुआ है, इसमें मैं ये मसाले डालूंगी। हल्दी है, मिर्च और नमक, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही ले सकते हैं। और ये मैंने जो बॉईल बथुआ करा था, ये मैं इस आटे में मिला लूंगी। इसको हमें आटे में अच्छे से मिक्स करना है और अपने जैसे हम आटा गूंदते हैं वैसे ही इसको गूंद लेना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। ये देखिए, मैंने ये आटा गूंद लिया है। अब इसको हम 5 या 10 मिनट रखेंगे और अब मैं इसके पराठे बना लेती हूँ। देखिए, वैसे ही बस जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी हिसाब से हमें ये पराठा बनाना है। बहुत सिंपल से हैं और सर्दियों में तो बहुत अच्छे लगते हैं ये, और सर्दियों में ही बनते हैं ये। देखिए, ये मैंने तवे पर डाल दिया है। हम इसको खूब अच्छे से सेकेंगे और इस पर हम ऑयल लगा लेंगे। देखिए, ये हमारा पराठा सिककर तैयार हो गया है। सर्दियों में बहुत अच्छे लगते हैं ये पराठे और हम इसको अपने दाल के साथ, सलाद के साथ और कबाब के साथ हम इसको सर्व कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छा, खुदा हाफिज़।